आज की वीडियो में आपको अक्षय कुमार के लिए एक सैड न्यूज बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्षय कुमार केन्स 2022 में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे और वो रेड कार्पेट पर वॉक करने वाले थे। अक्षय कुमार उन फ्यू इंडियन सेलिब्रिटीज में से हैं जिन्होंने इस साल केन्स फिल्म फेस्टिवल में जाना था। केन्स फिल्म फेस्टिवल में इंडियन डेलीगेशन जाने वाला है और इस डेलीगेशन को लेड करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर। बट अक्षय कुमार के लिए आई एक सैड न्यूज, अक्षय कुमार अब इस डेलीगेशन का पार्ट नहीं बन पाएंगे। अक्षय कुमार जो केन्स फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बट अब वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो कोविड-19 पॉजिटिव हो चुके हैं। जी हाँ, अक्षय कुमार टेस्टेड पॉजिटिव हो चुके हैं और उन्होंने अपना ये स्केड्यूल कैंसिल कर दिया है और अब वो वहाँ नहीं जाने वाले। सैटरडे नाइट को अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा के वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रूटिंग फॉर ए सिनेमा एट द इंडियन पेविलियन एट केन्स 2022 बट हैव सैडली टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। विल रेस्ट इट आउट, लोड्स ऑफ बेस्ट विशेस टू यू एंड योर एंटायर टीम, आई अनुराग ठाकुर, वी रियली मीन दिस देयर। अक्षय कुमार के साथ साथ जो अदर इंडियन सेलिब्रिटीज का डेलीगेशन वहां पर जाने वाला है उनमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नयनतारा, पूजा हेगड़े, तमन्ना भाटिया, एआर रहमान, आर मधावन हैं। इसके अलावा हिना खान भी केन्स फिल्म फेस्टिवल में इस साल फिर से रिटर्न होने वाली हैं। हिना खान ने अपना केन्स फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर डेब्यू 2019 में किया था अपनी पोस्टर लॉन्च फिल्म लाइन्स के लिए और आज वो फिर से अपनी पोस्टर लॉन्च फिल्म इंडो इंग्लिश फिल्म कंट्री ऑफ ब्लाइंड के लिए फिर से वहां पर जाने वाली हैं। आर मधावन की बात करें तो आर मधावन भी ये फिल्म फेस्टिवल को अटेंड करने वाले हैं और वो अपने आने वाली फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के लिए वहां पर जाने वाले हैं। उनकी इस फिल्म को केन्स में वर्ल्ड प्रीमियर मिलने वाला है मई 19 को। बट अक्षय कुमार जो इस सब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे और अक्षय कुमार को वहां पर देखने के लिए फैंस भी बहुत ज्यादा ईगरली वेट कर रहे थे और अक्षय कुमार की लुक को देखने के लिए कि वो वहां पर जाकर क्या लुक क्रिएट करते हैं और क्या डिफरेंट करते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहते हैं, तो ये सब देखने के लिए फैंस जितना ज्यादा वेट कर रहे थे। बट फैंस के लिए भी सैड न्यूज है कि अक्षय कुमार अब वहां पर नहीं जा पाएंगे और अक्षय कुमार फिलहाल टेस्टेड पॉजिटिव हैं और कोविड एक बार फिर से बढ़ने लगा है, तो हम सबको भी फिर से सावधान होने की जरूरत है। आपको अक्षय कुमार के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।